हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूजिन फेस्ट। नवरात्रा स्पेशल सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के साथ कुछ स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाला मखाना बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मखाने लिए हैं और साथ में 1/2 कप मूँगफली ली है। अब हम मसाला मखाना बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 चम्मच घी को मैंने यहाँ अच्छे से गरम कर लिया है और उसमें ऐड किया है मखाने। मखाने को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम मखानों को रोस्ट करेंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट में हमारे मखाने अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी को ऐड करके अच्छे से गर्म कर लिया है। फिर उसमें ऐड किया है मूंगफली। मूंगफली को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये क्रंची ना हो जाए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और बीच बीच में मूंगफली को चलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे। मूंगफली हमारी यहाँ रोस्ट हो चुकी है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में 1 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। उसके बाद इन सारी चीज़ों को मूंगफली के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मखाने। मखानों को भी मूंगफली और मसालों के साथ मिला के कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाला मखाना बनके रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी बनाने की ओर। अब हम बनाएंगे आलू लच्छा नमकीन। इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से मूंगफली लिए हैं, साथ में थोड़े से काजू लिए हैं और 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इसे छीलकर हम ग्रेटर के हेल्प से इसे ग्रेट कर लेंगे। आलूओं को ग्रेट करके मैंने अच्छे से धो लिया था। अब मैं एक किचन टॉवल को इस तरह से बिछा रही हूँ और इसमें आलूओं को रखूँगी। उसके बाद कपड़े को चारों ओर से फोल्ड करते हुए आलूओं को अच्छे से कवर करके पोंछूंगी इस तरह से। उसके बाद मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। आलूओं को डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू और इसे गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। आलू हमारे यहाँ पे क्रिस्पी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे एक नैपकिन पेपर में निकाल लूँगी ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल हो वो नैपकिन पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। अब उसी ऑयल में मैं मूंगफली को थोड़ी सी रोस्ट करूँगी। मूंगफली को रोस्ट करने के लिए मैं इस तरह के स्ट्रेनर का यूज़ कर रही हूँ। बस हल्का सा हमें मूंगफली को क्रंची करना है। ऑयल हमारी गर्म है तो कुछ सेकंड्स में ही मूंगफली हमारी क्रंची हो जाएगी। चारों ओर से घुमाते हुए मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, मूंगफली भी हमारी रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे हटा लेंगे और इसी तरह से काजू को रोस्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक ऐड किया है आलू लच्छा नमकीन में और साथ ही मैं ऐड किया है थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और इसे 1 चम्मच के हेल्प से आलू लच्छा नमकीन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू लच्छा नमकीन पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अगर आप व्रत में काली मिर्च नहीं खाते हैं तो काली मिर्च को ना डालें। अब हम बनाएंगे कच्चे केले के चिप्स। इसके लिए मैंने 1 केले को पोटैटो कटर की हेल्प से पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लिया है। साथ ही मैं लिया है पानी जिसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। उसी पानी में मैं केले को ऐड कर रही हूँ। केले को डिप करके अच्छे से एक स्टेनर में निकाल लूँगी। उसके बाद इसे डीप फ्राई करूँगी। केले को डिप करके मैं इस तरह के स्टेनर में इसे निकाल रही हूँ ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। हल्दी वाले पानी मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि हमारे केले के चिप्स में थोड़ा सा कलर आ जाए, वो येलो दिखे। जिस ऑयल में मैंने आलू के लच्छे रेडी किए थे उसी ऑयल में मैं केले के चिप्स को भी फ्राई करूंगी। ऑयल हमारे यहाँ अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें केले के चिप्स ऐड कर रही हूँ और इसे भी क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करेंगे।
गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करेंगे वरना चिप्स हमारी जल जाएगी। ऊपर नीचे इसे पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। केले की चिप्स हमारे यहाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, ये अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब हम केले के चिप्स में सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए टॉस कर लेंगे ताकि काली मिर्च और सेंधा नमक अच्छे से चिप्स के साथ मिल जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी केले की चिप्स भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नवरात्रा स्पेशल 3 तरह के स्नैक्स रेडी है। आप किसी भी व्रत में इसे खा सकते हैं, मसाला मखाना, आलू लच्छा नमकीन और केले के चिप्स। तो इस नवरात्रि आप भी इसे ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी इसी तरह की रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।